तो हम बात कर रहे थे फ्लक्स के बारे में ना, मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो कुछ पॉइंट्स हमारे हो गए थे, अब बात करते हैं गॉस लॉ के बारे में। गॉस तो मान लो जैसे कि ये कोई क्लोज सरफेस है, ध्यान रखना ये क्या है, क्लोज सरफेस है। ना क्लोज सरफेस है और इसमें मान लेते हैं कुछ चार्जेस अंदर की तरफ रखे हुए, मान लो जैसे Q1, Q2, Q3, -Q4, बाहर भी कुछ चार्जेस रखे हुए, जैसे मान लो यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है। कुछ चार्जेस बाहर है, कुछ चार्जेस अंदर है, ठीक है। तो ये लोग क्या कहता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड टू दी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज एंड क्लोज्ड बाई दी क्लोज्ड सरफेस। मतलब क्या है यहाँ, मतलब सीधा है ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर फॉर अ क्लोज सरफेस, ये जो गोला मारा है क्लोज सरफेस को इंडिकेट कर रहा है, इक्वल टू चार्ज एंड क्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ चार्ज एनक्लोज्ड क्या है, तो चार्ज एनक्लोज्ड है जितने भी चार्ज इस क्लोज लूप के अंदर है, यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस -Q4, विद साइन इस तरह से सबको एल्जेब्रिकली ऐड कर देना, ये टोटल चार्ज एनक्लोज्ड होगा। यानी जो आउटर चार्जेस है कैपिटल Q1, कैपिटल Q2, कैपिटल Q3, इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है जब टोटल फ्लक्स की बात करेंगे तब। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दिया है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं कि सिर्फ Q1 स्मॉल Q2 स्मॉल Q3 माइनस स्मॉल Q4 इनकी वजह से नहीं, आउटर में भी जो चार्जेस हैं और अंदर जो चार्जेस, इन सबकी वजह से ये ई वेक्टर है। और ये जो सरफेस हम बोल रहे हैं क्लोज सरफेस, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ये लिख लो फिर आगे का पॉइंट लिखो तुम।
लिख लिया सर। अब यहां जो ई वेक्टर है ये क्या है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनर एज वेल एज आउटर चार्जेस एट गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो यहां क्या है कि जैसे मैंने अगर ये लिया अभी, तो वापस से जैसे इसी पॉइंट के मैं बात करूं वापस से, तो ये हमारे पास में गॉसियन सरफेस है, है ना। यहाँ Q1, Q2, Q3, माइनस Q4, यहाँ Q1, यहाँ Q2, यहाँ Q3 ये मान लो। अगर मैं इस पॉइंट पर जाता हूँ तो ds वेक्टर इस जगह इसके इधर होगा, यानी ये ds1 वेक्टर होगा जो कि 90 डिग्री है। तो मान लो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ये होगा E1 वेक्टर। तो ये E1 वेक्टर इस पॉइंट पर अंदर वाले चार्जेस की वजह से भी, राउटर चार्जेस की वजह से भी। मान लो मैं नेक्स्ट इसके लिए जाता हूं, तो ये हमारे पास में ds2 वेक्टर है, और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इस डायरेक्शन में, ये e2 वेक्टर है। तो ऐसे हर पॉइंट पर जब आप जाएंगे, तो जब इसको क्लोज लूप के लिए बात करेंगे, तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ना, e1 वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर प्लस e2 वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर, और इस तरह से, ये है दरअसल q enclosed by epsilon naught, यानी इसी को हम क्या बोल रहे हैं पूरे क्लोज सरफेस के लिए। तो ये हो जाएगा e वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब इससे एक बात और पता चल रही है कि अगर सिमेट्रिक सिस्टम नहीं है तो आप किसी आपके, क्योंकि देखो हर पॉइंट पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आपको, अगर डिस्क्रीट चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिक सिस्टम नहीं है, तो आप इस लॉ से कभी भी किसी नॉन सिमेट्रिक सिस्टम की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पर तो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, अरे बसन में। तो इसका मतलब है कि इस लॉ को वहीं लगा सकते हैं हम लोग जहां हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होगा। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो आप देखोगे कि E को आप बाहर निकाल लोगे, E को जब बाहर निकालोगे तो उसका जो भी सरफेस एरिया वो अपने को मिल ही जाएगा कहीं ना कैसे भी करके। तो हम लोग उसका, वहां से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर डिस्क्रीट चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस लॉ से फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हो, क्योंकि हर पॉइंट पर तो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ, आई बात समझ में। इसलिए हम लोग गॉस लॉ को नॉन सिमेट्रिक सिस्टम के लिए नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। कॉन्सेप्ट तो नॉन सिमेट्रिक और सिमेट्रिक सबके लिए वैलिड है। अगर पूछता है कि टोटल फ्लक्स बताओ, तब तो सरफेस कैसा भी हो, चार्ज एनक्लोज देखना है तो टोटल अपने को क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। बात समझ आ गई ये क्या कह रहा हूं मैं? हाँ सर, लिख लो इसको। सर एक बार ये सब वापस बताइए ना, डिस्कनेक्ट हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि आप जब जाओगे इस तरह से, डिस्क्रीट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हर पॉइंट पर गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर जब आप जाओगे, तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल रहा है आपको, हर पॉइंट पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, है ना। तो आप पूरे जब क्लोज सरफेस के लिए बात करोगे तो सबको क्या करोगे, आप एड करोगे, और वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एन क्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर फॉर अ क्लोज सरफेस। क्लियर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ कि आप देख रहे हो कि हर पॉइंट पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर नॉन सिमेट्रिक सिस्टम है तो उस केस में आप नॉन सिमेट्रिक सिस्टम के लिए इस लॉ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पर तो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है,
आप इस लॉ से तभी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो जब जिस जो गॉसियन सरफेस आप बनाओगे इस गॉसियन सरफेस पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। हाँ सर, लिख लिया। लिख लिया ना? हम जैसे इसमें क्वेश्चन दिए हैं, जैसे एग्जांपल 103 है, लेकिन उसके पहले कुछ पॉइंट्स जो बताता हूँ। तो पहला पॉइंट तो ये कि अगर आप टोटल फ्लक्स की बात करोगे तो टोटल फ्लक्स इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि जो क्लोज सरफेस है उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है ना। तो नेट या टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ गॉसियन सरफेस। मतलब क्या हुआ कि मान लो अगर मैं ये क्लोज सरफेस यानी अगर मैं स्फेरिकल क्लोज सरफेस बनाता हूं और यहां चार्ज क्यू रखता हूं तो इससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर इसी तरह से शेप में ऐसा बनाता हूं तो यहां भी चार्ज अगर क्यू रखा है तो इससे भी एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा इस सरफेस से वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। यानी डिपेंड नहीं करेगा कि कैसे सरफेस, क्योंकि हम टोटल फ्लक्स की बात कर रहे हैं। ओके, लिख लो। हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ देखो दूसरा है कि अब ये जो चार्जेस हमने यहाँ रखे हैं, मान लो इनसे ये इंडिपेंडेंट होता है तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ चार्ज एंड क्लोज्ड। ठीक है, सी पॉइंट है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन दी, देख लिया हमने चार्ज एंड क्लोज। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन दी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस डिपेंड्स अपॉन दी चार्ज एंड क्लोज्ड। ठीक है, लिख लिया सर।
फोर्थ पॉइंट इसमें मतलब डी पॉइंट है हमारे पास में, पहले इसको समझ लेते हैं फिर लिखवाता हूं मैं। मान लो जैसे कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज हमने यहां रखा, तो यहां से आपको पता है कि लाइंस जो है बाहर जाएगी, तो किसी पॉइंट पर अगर आप जाओगे तो आप देखो जैसे इसके लिए आप जाओगे तो इधर की तरफ इसका डी एस वन वेक्टर मिलेगा, है ना। यहाँ मान लो ये अगर ई वन है भी तो यहाँ आपको डी एस टू वेक्टर इधर मिलेगा, अगर ये ए टू वेक्टर है तो, है ना। अगर यहाँ की बात करेंगे हम लोग डी एस थ्री, ये हमारे पास में ई थ्री वेक्टर मिलेगा, ओके। तो आप देखो कि यहाँ एरिया और ई के बीच में एंगल जो है 90 से कम है, तो इस केस में जो फ्लक्स आपको मिलेगा ना वो दरअसल पॉजिटिव फ्लक्स मिलेगा, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन मैंने आपको पहले लिखवाया था, क्लोज सरफेस के लिए हमेशा बाहर की साइड लेना है। तो यहाँ ई हर पॉइंट पर ई और इसके बीच में एंगल क्या होगा 90 से कम होगा, तो टोटल जो फ्लक्स मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर मान लो मैं ये सरफेस लेता हूं और यहां मैं नेगेटिव चार्ज रखता हूं, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो क्या करेगी, ऐसे आ रही होगी, अब यहां देखो अगर मैं इस पॉइंट पर जाता हूं तो इसका एरिया की डायरेक्शन किधर है, इस सरफेस के लिए जाएंगे तो इधर की तरफ मिलेगा, ये डी एस वन वेक्टर है, यहाँ ई वन वेक्टर इधर है, आप देख रहे हो कि एंगल 90 से ज्यादा है। आप इस वाले के लिए जाओ तो यहाँ ई टू की डायरेक्शन इधर है और यहाँ डी एस टू की डायरेक्शन उधर है 90 के, यहाँ 180 के करीबन। यहाँ देखो यहाँ देखेंगे आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, ये डी एस थ्री है, ये ई थ्री वेक्टर है, यहाँ भी देखो आप एंगल इन दोनों बीच में 90 से ज्यादा है। इसका मतलब अगर नेगेटिव चार्ज है, टोटल एनक्लोज चार्ज अगर नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव फ्लक्स मिलेगा। कुल मिला के कहानी अब ये है कि अगर मान लो इसका मतलब है कि आउटवर्ड जो फ्लक्स होगा उसको पॉजिटिव लेना है और इनवर्ड जो फ्लक्स होगा मतलब इनकमिंग जो फ्लक्स है उसको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, और आउटगोइंग फ्लक्स को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो लिखवा देता हूं मैं, ये बना लो फिगर आप। तो इन अ क्लोज्ड सरफेस outgoing flux, electric flux की बात कर रहे हैं हम लोग, in a closed surface outgoing flux is taken positive and incoming electric flux is taken नेगेटिव। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसका रीजन मिल गया, इसका मतलब चार्ज एनक्लोज क्या हुआ, नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव आ रहा है, और अगर चार्ज एनक्लोज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, सिंपल, ऐसे भी समझ सकते हो आप।
हाँ सर ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अगर चार्ज इनक्लोज्ड जीरो है तो ये आप ये नहीं कह सकते हो कि गॉसियन सरफेस के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। लेकिन अगर गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर मतलब गॉसियन सरफेस के अगर हम जाते हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो मिलता है, इसका मतलब है कि चार्ज इनक्लोज जीरो है ना, मतलब सॉरी मतलब फ्लक्स क्या होगा फिर जीरो होगा। तो फ्लक्स जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसका मतलब डेफिनेटली फ्लक्स जीरो है। क्लियर है मैंने क्या कहा, अभी लिखवाता हूँ इस पॉइंट को। तो यानी नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में ई, इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, अब गॉसियन सरफेस बोल दिया है, इसका मतलब कहने का सिंपल लॉजिक है कि ये क्लोज सरफेस है। गॉसियन सरफेस का मतलब ही क्लोज सरफेस है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज जीरो ठीक है, इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज जीरो इट डज नॉट इंप्लाई दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ इंप्लाई दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस इज जीरो ठीक है, बट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस इज जीरो देन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज जीरो। क्लियर भाई, इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज जीरो इट डज नॉट इंप्लाई दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस इज जीरो। But if electric field at every point of Gaussian surface is zero, then net electric flux through Gaussian surface is zero. ठीक है ना, जैसे बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ, इससे क्लियर हो जाएगा आपको कि मान लो जैसे कि ये स्फेरिकल Gaussian surface है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है तो यहाँ अगर मान लो मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल रखा, इतना तो आइडिया आपको भाई, एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू, इसको इलेक्ट्रिक डायपोल भी हम लोग बोल देते हैं, नहीं तो आप तो समझो माइनस क्यू प्लस क्यू है, तो यहाँ फ्लक्स जीरो है। लेकिन अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह ट्रीट करूँ या इंडिविजुअल पार्टिकल की तरह चूज भी करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो किसी भी पॉइंट पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलता ही नहीं है, और ये आगे वैसे भी मैं डिस्कस करूंगा, भले ही यहाँ फ्लक्स जीरो है लेकिन यहाँ किसी भी पॉइंट पर यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है।
लेकिन फ्लक्स यहाँ जीरो है। लेकिन अगर यहाँ हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता तो फिर इसका मतलब चार्ज इनक्लोज ही नहीं है, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फ्लक्स क्या मिलता आपको, जीरो ही मिलता डेफिनेटली। ये पॉइंट है, इसका ध्यान रखिएगा। सर अभी आपने जो बोला उसको एक बार फिर से रिपीट करिए। रिपीट लिखवा तो दे, मैंने रिपीट क्या करना है। नहीं सर, ये जो आपने स्फेरिकल कॉन्स्टेंट सरफेस का बोला कि फ्लक्स जीरो, एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, टोटल चार्ज इनक्लोज कितना आ रहा है। अच्छा अच्छा सर, ठीक है, जीरो आ जाएगा तो फ्लक्स जीरो हो गया। लेकिन इसकी वजह से सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। वो आगे आगे मैं आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाऊंगा तो वहां और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसकी वजह से आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ना हम लोग, तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर जीरो नहीं आता इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसका मतलब चार्ज इनक्लोज वहां क्या हो गया, जीरो, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, वहां जीरो हो जाएगा। ये लेकिन फ्लक्स जीरो होने का मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये कह रहा हूं, ठीक है। हाँ सर, हो गया। अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे हम लोग, मतलब यहाँ तो अब देखो जैसे क्वेश्चन है 10103 है, ये क्वेश्चन इसने पूछा था कि टोटल फ्लक्स बताओ, तो चार्ज एनक्लोज कितना आ रहा है, देखो 103 में देखो आप, चार्ज एनक्लोज आ रहा है 3 माइक्रो कूलम, दूसरी के करस्पॉन्डिंग फ्लक्स है तो हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। उसी तरह जैसे इसने 104 है, इफ अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यू देन फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू एनी वन ऑफ द फेस ऑफ क्यू, तो टोटल फ्लक्स इतना होगा इसका। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे एग्जांपल है हमारे पास में 104, तो 104 की जब हम बात करेंगे तो इसमें आप देख रहे हो कि एक क्यूब है, जिसके सेंटर पे रखा तो सिमेट्री है, हर फेस इससे इक्वल डिस्टेंस पर, एक तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है, यानी हर फेस के लिए सिमेट्रिक है, ये समझ सकते हो आप, ठीक। तो टोटल चार्ज, अगर हम टोटल एनक्लोज चार्ज की बात करें तो कितना है, क्यू है, तो टोटल फ्लक्स की अगर हम बात करें इससे तो वो कितना आ जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ना। अब आप कह रहे हो कि सेंटर पर है तो हर एक फेस से कितना हो गया, तो जो फेस से फ्लक्स होगा वो जाएगा क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, यानी टोटल लाइंस अगर मैं कहता हूं, मान लो कि 60 लाइंस जा रही है तो हर एक फेस से कितनी लाइंस गुजर रही है, एक तरह से कितनी पास हो रही है, 10, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग देख रहे हैं एक तरह से, ठीक है ना। तो मान लेते हैं जैसे कि ये पहला पार्ट है इसका, और भी इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, मान लो इसके कॉर्नर पे रखा हमने, ये लिख लो पहले, हम जैसे इसका सेकंड पार्ट की बात करें हम लोग, तो सेकंड पार्ट के केस में क्या होगा, देखो मान लो मैंने इसको इस पर रखा है, ये क्यू चार्ज है, हमें बताना है कि एक तो इस क्यूब से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा वो फाइंड करना है, साथ में ये फेस मान लो ए बी सी और डी से कितना फ्लक्स होगा, उसके बाद में डी ये ई और ये एफ है मान लो, ये जी और ये एच है मान लो,
तो पहले तो इस क्यूब से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है, तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated to the cube. पहला पॉइंट इसका ये है. दूसरा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस ए डी या ए बी सी डी. तीसरा, तो तीसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस बी सी जी और एच. ठीक है, ये हमारे पास में, और इसके कॉर्नर पे ये चार्ज रखा हुआ, ये क्यूब है हमारे पास, क्यूब दिया हुआ है. तो क्यूब के कॉर्नर पर ये चार्ज रखा हुआ है. तो कैसे करेंगे, तो आप यहां देखो, इससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स है, यानी इससे जो पास होने वाला फ्लक्स है, वो कितना होगा, Q by 8 epsilon नॉट होगा. ये समझ में आया क्यों होगा? हाँ सर. कि बताओ इसको. हाँ सर, 8 कॉर्नर से. तो क्या हुआ 8 कॉर्नर से, तो क्या मतलब एक कॉर्नर मतलब एक चार्ज 8 क्यूब्स में डिवाइड हो, 8 क्यूब्स में, 8 क्यूब्स बने, 8 क्यूब में निकालेंगे. मतलब यहाँ ऐसा है, देखो अब यहाँ देखो, एक क्यूब जो है ना, पहले एक का बना के दिखाता हूं मैं, इसकी बात करूं, मान लो एक क्यूब ये बनेगा पूरा, इसमें है ये चार्ज दरअसल यहां रखा हुआ है. एक क्यूब ये, एक देखो 8 क्यूब मिल रहे हैं अपने को ऐसा. जैसे दूसरा क्यूब ये है. हाँ सर. विजुलाइज हो रहा है ना. तो एक क्यूब पीछे की तरफ है, यानी 8 क्यूब्स के एनक्लोज है. तो एक के देखा जाए तो हर एक के कॉर्नर पे तो रखा है, तो टोटल कितना हो गया, यानी उससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स हो गया पहले पार्ट में, वो कितना आ गया, Q by at epsilon naught. क्लियर है यहां तक? अब आगे देखो, ये जो फेस है ऊपर A B C D दिख रहा है आपको, A B C D वाला, इसमें तो लाइंस जो जा रही है इसकी, वो इसी के प्लेन में ही है. हाँ कि नहीं? तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स क्या होगा, यानी सेकंड पार्ट में, यानी बी वाले पार्ट में आंसर हो गया हमारे पास में जीरो. अब उसी से जीरो नहीं है, ये देखो ए डी ई एफ इससे भी जीरो है, ए बी एच एफ इससे भी जीरो है कि नहीं? ये भाई समझ में आ रहा है? ये जो फ्लक्स किससे, ये हो गया ए बी सी डी. अब मैं कह रहा हूं कि फाई ए बी सी डी,
ये इक्वल टू है ए डी ई एफ ए डी ई एफ ये इक्वल टू है ए बी एच एफ ए बी एच एफ देखो कैसे भाई ए डी ई एफ को देखो तो उसके भी तो उसी के प्लेन से लाइन जा रही है ना ए बी एच एफ से देखो उसी प्लेन से तो लाइन जा रही है उसको क्रॉस करके थोड़ी जा रही लाइन कोई लाइन क्रॉस करके नहीं जा रही थोड़ा विजुलाइज करो यार आप भी भाई इससे जो लाइन्स जाएगी वो थ्री डायमेंशन में हो गई जैसे है ना जैसे सन से रेस जा रही है अपने चारों ओर से वैसे चार से जा रही है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स तो है ना तो उस केस में आप देखो कि ए बी एच एफ आप देखोगे तो उसको क्रॉस करके कोई लाइन जा रही हो तो वो बता दो मुझे तो पहले जैसे ए डी ए बी सी डी का है वैसे ए बी एच एफ का है वैसा ही हाँ सर लेकिन अब इन तीनों का जीरो हो गया अब साथ में यहाँ देखो अब देखो सी डी ई जी का देखो आप सी वाले पार्ट की बात कर रहे हैं तो फाइव सी डी ई जी इक्वल टू होगा फाइव बी सी जी एच इक्वल टू होगा फाइव ई एफ एच जी और ये इक्वल टू हो जाएगा Q by 24 epsilon. आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि जो टोटल फ्लक्स इस क्यूब से जा रहा है वो Q by 8 epsilon not है, लेकिन ये जो फेस मैंने तीनों बताए हैं ये सिमेट्रिक रखे हैं उस चार्ज के रेस्पेक्ट में देखो आप तो हर एक से कितना फ्लक्स पास होगा 1/3 पास हो जाएगा ये विजुलाइज रहा है हाँ सर है ना तो लिख लो इसको सर थर्ड पार्ट वापस बताइए क्या बोला आपने बोला तो बड़ा अच्छा ही था यार गाली ग्लोस तो नहीं करा था मैंने मैं ये कह रहा हूँ आप जिस रूम में बैठे हो आप रूम में बैठे हो किधर बैठे हो हाँ सर रूम में बैठा हूँ रूम का एक कॉर्नर देखो ऊपर और उस कॉर्नर से उस कॉर्नर से जुड़े हुए तीन फेस है वो भी देखो जो कि पास वाले कौन कौन से फेस जैसे ए डी ई एफ ए बी सी डी ए बी एच एफ है ना तो इन तीनों से तो फ्लक्स जीरो है अब इसके अलावा तीन फेस और है एक वो जो ग्राउंड फ्लोर एक क्योंकि आप मान लो एक कॉर्नर देख रहे हो ऊपर का तो एक तो ग्राउंड फ्लोर आपको दिख रहा है ना और दो वर्टिकल वॉल्स आपको दिख रही होगी उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में तीनों का सिमेट्रिक है कि नहीं ये देख ये पूछ रहा हूँ हाँ सर इसका मतलब तीनों से इक्वल फ्लक्स पास होगा तो 1/3 हो जाएगा ना ठीक है सर सर एक बार वो दूसरा वाला पेज दिखाना ना ये लिख लिया हाँ सर एक एक मिनट लिख लो तो पहले सुनो सर मैंने इसी के रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन भेजा था आप वो बता सकते हैं प्लीज अभी कौन सा सर हमारे पास नहीं सर सर छोटा सा ये मुझे याद है एक्स एक्सिस पे एक क्यू चार्ज रखा हुआ है और माइनस एक्स एक्सिस पे माइनस पूछा था आपने ना हाँ सर हाँ बताता हूँ सर नेक्स्ट पेज दिखाइए उसका आंसर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बोला था मैंने हाँ सर लिख लिया इधर का हाँ सर ये
अब जैसे इन्होंने जो क्वेश्चन भेजा था वो क्वेश्चन क्या था दरअसल, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, ठीक है ना। तो इधर ले लेता हूं मैं, इन्होंने एक चार्ज यहाँ रखा हुआ था Q और एक चार्ज यहाँ रखा हुआ था माइनस Q। तो अगर आप ना, और ये इन्होंने पूछा कि सर YZ जो प्लेन है जो कि पूरा एक इनफाइनाइट प्लेन है तो इससे एसोसिएट मतलब इससे पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। तो पहले तो ये ऑब्जर्व करो कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हर डायरेक्शन में जाएगी, यानी पूरा थ्री डायमेंशनल होगा पूरा सिस्टम, हाँ है ना। अब थ्री डायमेंशनल अगर होगा तो ये जो वाई जेड प्लेन है, पहले वाई जेड प्लेन का स्मॉल पार्ट आपको बना के दिखाता हूं मैं, तो जो चार्ज हमने यहां रखा है वो चार्ज क्यों यहां रखा हो तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा, हाँ ऐसे क्रॉस करके जा रहा होगा, है ना। तो आप ये देखो ये तो इनफाइनाइट प्लेन है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका हाफ पार्ट जो है ना इधर का, क्योंकि हाफ पार्ट पूरा इस प्लेन से पास होके जा रहा है क्योंकि इनफाइनाइट है, क्योंकि जब इनफाइनाइट की बात करते हैं तो लाइंस क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। अगर आपको याद हो तो मैंने वो इनफाइनाइट लाइन का दिखाया था आपको, लाइन चार्ज का, हाँ सर। तो इसका हाँ मतलब सर। इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट हुआ कि नहीं हुआ, जिससे यहाँ से फ्लक्स जो पास हो रहा है उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं होगा इसका। सर इधर इधर मेरे को ये कंफ्यूजन हो जाता है, ये हमने गॉस लॉ से अभी बोला, हाँ मतलब हाफ हो जाएगा ना भाई, सिमेट्री से हमने दिख रहा है कि हाफ इधर जाएगा जाएगा, हाफ लेफ्ट साइड में जा रहा है एक तरह से, हाँ। और हम लोग गॉस लॉ के टाइम पे ये भी बोलते हैं कि एक ही बार अगर हमने गॉस लॉ लगाया वो वाला फ्लक्स स्पेस में हर चार्ज की वजह से होता है, मतलब मतलब अभी हमने जैसे Q का निकाल दिया तो अब माइनस Q का हम ऐड नहीं कर सकते वापस उसमें, नहीं मैंने वो फ्लक्स की उसकी गॉस लॉ की बात ही नहीं कर रहा मैं, तो उसको उठाओ आप, तो ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की वजह से फ्लक्स क्या होगा इधर होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा, कितना होगा इसकी वजह से भी, तो जो टोटल लाइंस यहां से क्रॉस करके जा रही है उसके करस्पोंडिंग तो टोटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया, दोनों का कंट्रीब्यूट करते हैं ना हम लोग, तो उससे जो जा रही है और इससे जो आ रही क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट, तो ये टोटल मिला के जो फ्लक्स माना जाता है वो ये माना जाता है रूल ये।
सर मैं एक बार एक चीज पूछ लेता हूँ कि जैसे हमारे पास एक स्फीयर दिया हुआ है स्पेस में, उसके अंदर क्यू चार्ज है और उस स्फीयर के कहीं बाहर दूसरा क्यू चार्ज दिया हुआ है, हम लोग तो नेट फ्लक्स हम लोग जब निकालेंगे गॉस लॉ से तो हम बोलेंगे खाली क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज अंदर है उसकी वजह से, और वो फ्लक्स स्पेस में हर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सब का लिया है उसके बाद आया वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब उस गॉसियन सरफेस के थ्रू। हाँ तो मतलब उसमें हमने ऐड नहीं किया ना ऐसे, फिर उसमें भी क्यों नहीं हम अंदर का एक बार फ्लक्स फिर ऐसे ऐड करते हैं। पहली बात तो यहाँ ये क्लोज एंड ये गॉसियन सरफेस कहाँ है, जो ये तो ओपन सरफेस है सर, फिर क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट हमने वैसे ही बोला ना। नहीं नहीं हम तो सिमेट्री से बोल रहे हैं कि हाफ इधर होगा तो हाफ लेफ्ट में होगा, तो भाई हम तो ये बात करते हैं ना कि जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होती है, ये बोलते हैं हम लोग। तो मैंने जो पॉइंट लिखवाया था उसमें तो ये लिखवाया था मैंने आपको कि चार्ज के प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, तो वो तो हम देख रहे हैं कि भाई टोटल चार्ज क्यों है, तो इधर लाइन्स कितनी होगी उसकी आधी होगी, मान लो 100 लाइन्स है तो 50 लेफ्ट में 50 राइट में है, हम लोग ऐसा समझ रहे हैं। क्या कंफ्यूजन इसमें बता रहे? तो टोटल फ्लक्स इस तरह से माना जाता है, जैसे अगर मान लो एक और क्वेश्चन में लू यहां कि मान लो ये कोई सर्कुलर सरफेस है और एक क्यू चार्ज हमने यहाँ रखा है मान लो माइनस और एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा, तो और इसके यहाँ से जो डिस्टेंस है ये एक्स है और इसकी भी जो डिस्टेंस है वो एक्स है, इसकी रेडियस आर है, तो अगर पूछा जाए कि इससे एसोसिएटेड फ्लक्स क्या है, इससे एसोसिएटेड फ्लक्स मतलब टोटल फ्लक्स कितना इससे पास हो रहा है, तो हम लोग बात करेंगे इससे एसोसिएटेड फ्लक्स और इसकी नेगेटिव की वजह से भी इधर की तरफ होगा। तो टोटल जो फ्लक्स यहाँ लिखेंगे इससे क्रॉस होने वाली जो लाइन्स है टोटल, वो लाइन्स हम माने लिखेंगे क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस एक्स बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू टू करेंगे, यानी यहाँ भी आंसर यही आएगा। आगे बस तो टोटल इस तरह से माना जाता है। ठीक है सर, इसमें हम इंटीग्रेट भी कर सकते हैं ना इस वाले, आप जैसे इसको इंटीग्रेट कर दो, आप जीरो से जो आर है ना तो जीरो से इनफिनिटी तक आप इंटीग्रेट करोगे ना तो आपको क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा सीधा आंसर। अच्छा मालूम है? हाँ अच्छा मैं वैसे कर लेता हूँ ट्राई तो। हाँ वैसे करके देखो तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा वापस, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड वहां लिखोगे ना तो दोनों की वजह से लिखोगे। हाँ मैं आपको मैं इसको बता देता हूँ, ये लिख लो पहले इसको, मैं आपको इक्वेशन बना देता हूँ फिर आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा सर। हाँ बोलो। जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें हमने ऐसा बोला ना कि आधी लाइन्स लेफ्ट जाएंगी आधी राइट में जाएंगी। हाँ पर कुछ लाइन्स की वजह से। हाँ ये जो चार्ज की वजह से। हाँ पर कुछ लाइन्स तो वैसे भी होंगी ना जो वाई जेड प्लेन के पैरेलल होंगी, मतलब स्क्यू होंगी। हाँ होगी ना, तो दरअसल होता क्या है, कॉन्सेप्ट ये होता है ये जो लाइन्स है ना, तो आपको याद होगा जब मैंने हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, आपको याद है हम लोग मानते हैं कि इन्फिनिटी पे मिल रहा है पॉइंट, इन्फिनिटी पे जाके मिल रहा है, उस एक लाइन चार्ज लिया था मैंने इनफाइनाइट लाइन चार्ज, तो इसको फिर 90 डिग्री क्यों ले रहे हैं हम लोग, इसको 90 डिग्री लेते हैं ना, इसका मतलब ये जो यहाँ से जा रहा है वो इन्फिनिटी पर है ना, तो इन्फिनिटी पे ये जैसे इसका वाला इन्फिनिटी पे मिलेगा मतलब ये इस तरह से जाके मिल रहा है इन्फिनिटी पर, ये इधर भी इन्फिनिटी पे इस तरह से जाके मिल रहा है। अगर आपको है ना कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं भी बता रहा हूँ ना आपको इस मेथड से, अभी आप इंडिकेट करिएगा आपको आंसर भी आ जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन। सर हाँ बोलो। सर पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग ने फाइन जो नेट फ्लक्स लिखा था वो मतलब एक चार्ज की वजह से लिखा था ना, लेकिन वो मतलब जो नेट फ्लक्स हम लोग क्यू बाय एप्सिलॉन लिखते हैं वो तो मतलब सिस्टम में जितने भी चार्जेस थे उनकी वजह से रहते ना, तो Q और माइनस Q दोनों की वजह से वही आएगा ना मतलब। अरे बेटा आप समझ ही नहीं रहे, आप तो कहीं और ही पहुंच गए। मैं वो तो ये पूछ रहे हैं इसमें कि YZ प्लेन से कितना लाइन्स क्रॉस कर रही है कि
मतलब कितना फ्लक्स हो, तो वो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर होगा ना फ्लक्स, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर होगा कि नहीं होगा, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर ही होगा, तो दोनों एक ही तो डायरेक्शन तो ऐड हो गए ना। तो अगर ये दोनों ही पॉजिटिव होता और अब पूछता कि क्या होगा, तो जीरो है। अब आता हूं वापस से उसी पॉइंट पर, अगर मान लो यही केस हम लोग ले रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ क्यू चार्ज रखता हूं और यहाँ क्यू चार्ज रखता हूं, और यहां से एक से, और यहां से ये भी एक से, इसकी जो रेडियस आ रहे हैं, अब आपसे पूछा जाए कि इससे एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है, जीरो है भाई। आप अब आप कहेंगे सर क्या लाइन से नहीं गुजर रही, गुजर रही ना, इधर से इधर जा रही है, इधर से लाइन से इधर जा रही है, लेकिन इससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स है तो नेट जीरो हो गया। अब आप कहेंगे सर लाइन तो है लेकिन ऐड होना चाहिए, नहीं, इससे जो नेट लाइंस क्रॉस करके जा रही है वो जीरो है। हाँ समझा सर, पैरेलल समझ में आया ना, अभी इस केस में जीरो है। चलो एक और क्वेश्चन मिल गया, अगर ऐसा क्वेश्चन भी आता है आपके पास तो आगे बस सर। इसलिए पूछा क्योंकि हम लोग गॉस लॉ में जब हम लोग लिखते हैं फाई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए, और उसके बाद हम लोग लिखते हैं क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट हम लोग लिखते हैं तभी नेट। अरे मैं बताता हूँ इसमें जीरो क्यों मिला है, क्योंकि यहाँ आप देखो इस पॉइंट पे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिल रहा है, यहाँ जीरो मिल रहा है। हाँ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखो जीरो मिल रहा है। हाँ तो फिर इसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो है तो इसको लाइन वहां से क्रॉस कर इसके कैसे जा सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की बात करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जीरो है, खत्म बात। हाँ सर समझा, है ना। अब जैसे इसकी बात करते हैं हम लोग कहाँ गए ये वाले की, तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा। तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ ये क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये एक्स डिस्टेंस है और ये भी एक्स डिस्टेंस है ना। तो यहां से तो ये है ना, तो ये जो है ये आर डिस्टेंस मान लेते हैं, और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इधर होगा। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मिलेगा अपने को। तो ये एंगल कितना होगा थीटा, तो ये एंगल भी कितना है थीटा, दोनों का है ई सेम है, तो है ना, तो इसका भी ई है और इसका भी ई है, दोनों का मिला के क्या हो गया 2e cos थीटा ना। तो ये टोटल फ्लक्स आ गया, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 2e cos थीटा इनटू 2 पाई r इनटू dr, और इसको जीरो से इनफिनिटी इंटीग्रेट कर दो, आपको आंसर वही आ जाएगा। तो यहाँ e कितना हो गया, e हो गया q पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और cos थीटा इक्वल टू हो गया हमारे पास में x बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रख के देख लो आप, आंसर आपका क्यू बाई टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, कर लीजिएगा आ जाएगा भाई। अभी समझ में आया अब? हाँ सर। हाँ सर लिख लो इसको भी। अब आपको कंफ्यूज करता हूं मैं, देखो एक क्वेश्चन और लेकर, आपके पास में ये क्वेश्चन ये है ना, बुकलेट है ना सबके पास में? हाँ सर। अब यहाँ एक क्वेश्चन है एचएलपी में, वहां चलते हैं। इस बार दिया ही नहीं क्या ना, ये रहे
ये क्वेश्चन देखिए मेरे इसमें 30 नंबर का ये एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन लीव्स एट एंगल अल्फा दो पॉइंट चार्जेस रखे हुए Q1 और माइनस Q2 अल्फा बीटा एंगल उनके इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनानी है मिला एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन लीव्स एंगल अल्फा फ्रॉम पॉइंट सर क्वेश्चन नंबर क्या है इसमें 30 है मेरे इसमें मेरा पुरानी वाली शीट है हमारे में भी 30 है आसपास हां इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन फील्ड लाइन लीव्स एट एंगल अल्फा फ्रॉम पॉइंट चार्ज Q1 एंड कनेक्ट्स विद द पॉइंट चार्ज माइनस Q2 एट एंगल बीटा द केरा देन फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा ये रिलेशनशिप बताने को कह रहा है ठीक है तो ट्राई करेंगे आप लोग उसको हां सर एक सेकंड इसको भी इंडिकेट करो तो पहले इसी को कर लो फिर उसको करिएगा इसको इंडिकेट करे तो क्या रहा है सर ये वाला ऐसा आ रहा है Q1 1 माइनस कॉस अल्फा इक्वल्स Q2 1 माइनस कॉस बीटा हाँ वही है क्योंकि जितनी लाइंस इधर से उधर उसके पास जा रही है दोनों क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए मतलब इधर का जो फ्लक्स जाएगा उसके उस फ्लक्स के इक्वल होना चाहिए यही कहना आपने Q1 बाय सॉलिड एंगल हाँ और ये इक्वल टू Q2 बाई 1 माइनस कोस थीटा वाला ठीक है ना और इसका आ रहा है ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है हो गया
हो गया है? हाँ सर यही आ रहा है, क्यूब बाय एप्सिलॉन आ रहा है ना, ठीक है ना। और ये वाला समझ में आया? दूसरा वाला जो क्वेश्चन था 30 सर, वो एक बार बता दीजिए। हाँ देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये प्लस Q1 है, ये माइनस Q2, यहां से लाइन इस कुछ लाइन से यहां से यहां जा रही है, कुछ यहां से यहां जा रही है, एक लाइन ये बता रहा है जैसे, है ना। तो ये अल्फा है, यहां बता रहा है कि ये बीटा है। तो आप यहां देखो एक तरह से यहां से जो लाइंस जा रही है ये, तो यहां से भी ये अल्फा ही होगा और यहाँ बीटा होगा, है ना। तो यहां से लाइन जा रही है, यानी एक तरह से यहां से जो लाइन जा रही है वो इस वाले पूरे पार्ट से लाइन जा रही हो, है कि नहीं। तो इसका मतलब यहां से जितनी लाइन्स यहां से क्रॉस करके जा रही उतनी लाइन्स तो यहां पहुंच रही है। इसका मतलब हमें मालूम है कि अगर ये अल्फा एंगल होता है तो हमारे पास Q बाई टू एप्सिलॉन नॉट, अगर ये Q चार्ज है मान लो, तो अगर ये एंगल मैं कहता हूँ कि थीटा है, तो हमारे पास वन माइनस जो एक्स वाई आता है वो दरअसल क्या होता है, वो वन माइनस कॉस थीटा होता है। भाई आपको याद होगा कि अगर इससे मैंने फ्लक्स निकाला था इस Q की वजह से, तो यहां से और यहां से लाइन जा रही, तो ये एंगल थीटा था वहां, उसके करस्पोंडिंग कितना था यहाँ Q बाई टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस थीटा था, क्योंकि ये x है ना और ये r है, तो वही चीज यहाँ। तो यहाँ इक्वल टू क्या कर देंगे हम लोग इसको, इक्वल यानी हो जाएगा अल्फा और जाएगा Q2 बाई टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस बीटा, ये इस कॉन्सेप्ट से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई कर ही सकते हो इसको, कॉस अल्फा क्या लिख सकते हो आप, वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू रखोगे तो आ जाएगा इस तरह से। लिख लिया ना, हाँ सर। ये हो गया हमारे पास में। अब जैसे इसमें 105 आपको दिया हुआ है, ये भी करिए आप लोग, 106 हो ही गया, 107 है ना, ये करो तो अभी आप, एक तो ये करो 105, 106, 107, 108, Thank you.
हो गया हो गया क्या ध्रुवी का आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर हो गया। हो गया। अब क्या है कि हम लोग ये तो हम लोग इस तरह से फाइंड कर लेंगे जो हमें सिमेट्रिक सिस्टम इस तरह से होगा, लेकिन अगर मान लो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ये तो फ्लक्स की तो बात हो गई, चलो फ्लक्स इस तरह से निकाल लेंगे हम लोग, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि हर पॉइंट पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कैसे फाइंड करोगे? नहीं फाइंड कर सकते हो। इसका मतलब है कि गॉस लॉ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड उसी केस में फाइंड कर पाएंगे जब हाईली सिमेट्रिक सिस्टम होगा, यानी जो गॉसियन सरफेस आप बनाओगे उस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए। अगर अलग अलग है तो नहीं फाइंड कर सकते हैं। ये तो तभी होगा जब हाईली सिमेट्रिक सिस्टम होगा। तो कुछ हाईली सिमेट्रिक सिस्टम है वो लिखवा देता हूँ, है ना, आज उतना ही करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से बताऊंगा एक एक करके। देर आर सम हाईली सिमेट्रिक सिस्टम तो कौन कौन से हैं? जैसे कि पहला है लाइन सिमेट्री, इसको हम लोग सिलेंड्रिकल सिमेट्री भी बोलते हैं। यानी कौन कौन है इसमें? तो इसमें है इनफाइनाइट या लॉन्ग वायर, दूसरा है लॉन्ग हॉलो और सॉलिड सिलेंडर। दूसरा है हमारे पास में इसमें स्फेरिकल सिमेट्री, इसमें हम लोग बात करेंगे हॉलो और सॉलिड स्फीयर के बारे में, और तीसरा है प्लेन सिमेट्री। तो प्लेन सिमेट्री में हम लोग बात करेंगे इनफाइनाइट प्लेन और इनफाइनाइट थिक शीट, इसको हम लोग थिन थिन प्लेन भी बोल सकते हैं, है ना, इनफाइनाइट प्लेन यानी थिन प्लेन और इनफाइनाइट थिक शीट। ठीक है, तो ये हाईली सिमेट्रिक सिस्टम है जहाँ जिनका हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं गॉसियन सरफेस पर, क्योंकि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सेम होगा। अब ये कैसे चूज करेंगे कि यहाँ गॉसियन सरफेस कैसा बनाना है? देखो हम गॉसियन तो गॉसियन सरफेस हम लोग इस तरह से चूज करेंगे, एक होगा रेफरेंस लाइन होगी उसके रेस्पेक्ट में, दूसरे में होगा एक रेफरेंस पॉइंट होगा स्फीयर के केस में, एक पॉइंट होगा लाइन सिमेट्री के केस में एक रेफरेंस लाइन होगी, और प्लेन सिमेट्री केस में एक इनफाइनाइट प्लेन रेफरेंस प्लेन होगा। तो हम लोग चूज इस तरह से करेंगे गॉसियन सरफेस, ध्यान से सुनेगा, वैसे तो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो बताऊंगा मैं, है ना, तो इसको तो लिखवाने की जरूरत नहीं, वैसे तो मैं ट्वेल्थ में तो लिखवा देता हूँ पॉइंट्स को, लेकिन मैं बोल देता हूँ। तो क्या करना है, जैसे मैं बात करता हूँ पहले लाइन सिमेट्री है मान लो, तो एक रेफरेंस वायर होगा, रेफरेंस वायर से हम लोग गॉसियन सरफेस इस तरह से चूज करेंगे कि
उस गॉसियन सरफेस का हर पॉइंट उससे उस रेफरेंस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर यदि है, तो इसका मतलब है हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो जो सरफेस होगा उसका, उसके जो एरिया की डायरेक्शन होगी, हर पॉइंट पे स्मॉल स्मॉल एरिया की बात करेंगे तो उस एरिया की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, पहला पॉइंट। दूसरा मतलब तीसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये कि अगर मान लो कोई सरफेस आपने देखा और उसके हर पॉइंट जो है अलग अलग डिस्टेंस पर है रेफरेंस लाइन से, इसका मतलब है कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां जीरो होना चाहिए या इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के अलोंग होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो डायरेक्शन है वो सरफेस के अलोंग होना चाहिए, यानी सरफेस के एरिया के परपेंडिकुलर। उससे ई वेक्टर डॉट डीएस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हर पॉइंट अलग अलग डिस्टेंस पर, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है तो आप कैसे फाइंड करोगे। तो अगर हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है तब तो आप निकाल सकते हो, तो इक्वल डिस्टेंस पर है तो इसका मतलब हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और वो सरफेस के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, या एरिया के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये तो ये हो गया और यही मेन कॉन्सेप्ट है। उसी तरह स्फीयर के केस में भी गॉसियन सरफेस जो बनाते हैं हम लोग वो देखेंगे, गॉसियन सरफेस का हर पॉइंट अगर इक्वल डिस्टेंस पर है इसका मतलब हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सरफेस के परपेंडिकुलर है तो हम वहां फाइंड कर लेंगे। उसी तरह प्लेन का देखेंगे, बस इतना सा पॉइंट है, याद रहेगा, वैसे तो रिकॉर्डिंग में जाएगा है और अभी क्वेश्चन करूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ किसका, इनफाइनाइट वायर का, क्योंकि वो हम लोग पढ़ चुके हैं, वैसे प्लेन का भी मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन इनफाइनाइट वायर मान लो है ना, तो उसकी वजह से गॉस लॉ अप्लाई करके कैसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, ठीक है, ये लिख लिया ना सबने? हाँ सर। तो पहले मैं आपको बता देता हूं इनफाइनाइट वायर का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसके बारे में पता ही है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर, तो इसमें तो देखो मैं बताता हूँ सिलेंड्रिकल सिमेट्री बनेगी, क्योंकि हम बात उसी कर रहे हैं सिलेंड्रिकल सिमेट्री की। यहाँ सिलेंडर बनाएंगे हम लोग, गॉसियन सरफेस जो बनेगा वो सिलेंडर बनेगा और ये जो वायर है वो ये वायर लेगा, ये वायर है, तो यहाँ जो हम लोग गॉसियन सरफेस बनाएंगे वो सिलेंडर बनाएंगे। तो इस ये इनफाइनाइट है तो इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी की हम बात करेंगे, तो माइनस इनफाइनाइट है और ये प्लस इनफाइनाइट है, तो यहां से आर डिस्टेंस की बात करेंगे हम लोग। तो आप देखोगे कि यहाँ ये जो बार वाला सरफेस जो बनाया हमने इसका हर पॉइंट इस रेफरेंस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर है, इसका मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। लेकिन ये जो सरफेस आपने देखा इसका हर पॉइंट अलग अलग डिस्टेंस पर है, इसका मतलब है कि इसका, क्योंकि एरिया तो ऊपर की तरफ, एरिया की जो डायरेक्शन होगी यहाँ वो तो ऊपर की तरफ होगी, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके पैरेलल होना चाहिए, समझ में आ रहा है अब? और हम देख ही चुके इसके इसके परपेंडिकुलर था वायर के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, इसकी वजह से मतलब फील्ड जो होता है वो इसके परपेंडिकुलर जाता है ना। हाँ। तो यहाँ देखो अगर इसकी लेंथ में एल लेता हूँ, ये ऊपर वाला सरफेस एस वन है, ये एस टू है और ये जो कर्व्ड सरफेस है ये एस थ्री है, तो एस थ्री की का अगर आप टॉप व्यू देखते हो तो आप देख रहे हो कि इसका मतलब है कि एरिया की डायरेक्शन किधर होगी, हर पॉइंट पर आप जाओगे तो एरिया की डायरेक्शन ऐसे मिलेगी आप, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो एरिया की डायरेक्शन होना चाहिए और यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर हर पॉइंट है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब है कि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये है और डी एस वन वो भी इसी डायरेक्शन में है
उसी तरह ये यहाँ भी ए होना चाहिए और डीएस टू इसी डायरेक्शन में, दोनों क्या है यहाँ ए की डायरेक्शन में है कि नहीं। तो आप यहाँ देखो यहाँ जो सरफेस एरिया है, क्योंकि आउट क्लोज सरफेस की बात करते हो तो एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा आउटवर्ड होगी, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर की तरफ होगी, क्योंकि पूरा प्लेन सरफेस बन रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब यहाँ क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, तभी तो ई वेक्टर डॉट डीएस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ देखो पहले तो चार्ज एन क्लोज कितना है इससे, लैम्बडा इनटू एल है, और कॉन्सेप्ट है हमारे पास में ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर फॉर अ क्लोज सरफेस इक्वल टू क्यू एन क्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इंडिविजुअल के लिए जाओगे तो क्या लिखोगे, ई वन भले ई E वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये S1 के लिए ले रहा हूँ, E वेक्टर डॉट डी एस टू, डी एस टू ले लेते हैं या डी एस वन ले लेते हैं, डी एस टू ले लेते हैं है ना, ये E1 वेक्टर लेते हैं, E2 वेक्टर लेते हैं, ये S2, और प्लस E वेक्टर डॉट डी एस थ्री वेक्टर S3, और ये इक्वल टू कितना है, क्यू एन क्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। आप देख रहे हो कि S1 S2 ये तो दोनों ही जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो, और ये E3, E3 की जगह क्या हो जाएगा यहाँ E है ना, मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, और E DS, क्योंकि E into इसको DS कर लेते हैं, तो पूरे सरफेस की बात करेंगे यहाँ, चार्ज इनक्लो कितना लैम्बडा L by एप्सिलॉन नॉट, और DS 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 पूरा इसका सरफेस एरिया, किसका कर्व्ड सरफेस जो है उसका एरिया कितना हो जाएगा, तो वो जाएगा 2 पाई, मान लो ये r डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, तो 2 पाई r into l इक्वल टू लैम्बडा l बाय एप्सिलॉन नॉट ना, तो e वेक्टर e कितना आ गया, देखो यही तो आंसर था, मैं बात समझ आ गई। हां सर क्लियर है भाई सबको, कैसे कांसेप्ट अप्लाई करना है। हां सर, हां तो ये कॉन्सेप्ट है, ये इसी तरह से हम लोग आगे की बात करेंगे, उसी तरह से अंदर की भी बात करेंगे, तो आज इतना ही करेंगे, ठीक है सर। होमवर्क, होमवर्क में तो आप कर लो, आप इसके क्वेश्चन ही कर लो, बस लोग होमवर्क में तो यार डीपीपी का क्या हुआ, डीपीपी का तो हमने बात ही नहीं करी है। कर लिया आपने डीपीपी, कहां तक कर लिया सबने, बोलिए। 12 तक किया है सर, पहला वाला ए फेज। तो अभी तो इसका तो क्या है, हम वर्क में हमें पूछवा नहीं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये कुछ चीजें हैं, जब तक वो कवर नहीं होगी तब तक होमवर्क देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है सर। तो डीपीपी करो फिर, आप डीपीपी कर लो आगे की। हाँ सर, डीपीपी कितना करना है, आपने कहाँ तक कर लिया, मतलब स्टार्टिंग के 10 हो गए, आगे 10 हो गए ना, तो आगे क्या करो, 10 में तो कुछ टाइम नहीं, मेरे ख्याल से 5 तक तो कुछ टाइम नहीं। हाँ मतलब कुछ नहीं था, मतलब वही था मैथमेटिक्स, तो आगे के डीपीपी भी करते रहो, और क्या ये उसमें ज्यादा डाउट तो होंगे नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि मतलब डाउट होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं वैसे डिस्कस करूंगा, अभी एक भी डीपीपी डिस्कस नहीं हुई ना। नहीं सर, तो नेक्स्ट क्लास में डीपीपी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका तो होमवर्क है ही नहीं, तो आप आगे की डीपीपी कर लो, 15 तक कर लो, और क्या। सर जब आप 12th का आप एचएलपी डिस्कशन आपने सबका लिखे रखा है कि आप लास्ट में लेते हैं एडवांस से पहले 12th वाला, किसका 12th का एचएलपी? हां 12th का कहां लिया मैंने, नहीं लिया सर। तो अगर आप उनका एचएलपी जब लेंगे तो आप हमें भी बोल देंगे, तो जो आना चाहे वो आके कर सकते, ठीक है। उसमें कहां कोई आता है, बहुत कम बच्चे आते हैं उसमें एचएलपी के, तो कहां कोई करता है, अगर आप करना चाहो तो वो अलग बात है, और रिपीटर वालों को तो करते हैं, रिपीटर वाले बच्चे तो सारे करते हैं,
वाले बच्चे कहाँ पढ़ते हैं सर? और अगर आप इरोडोव से भी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस देंगे तो वो भी कर लेंगे। इरोडोव का तो पहले मैकेनिक्स वाला पार्ट तो कर लो, उसमें 56 क्वेश्चंस है ना पहले वाले। सर मैकेनिक्स मतलब रोटेशनल लेके आरबीडी लेके? हाँ पूरा जितना भी सारा जितना भी है सब कर लो 56 तक। अच्छा 56 से 58 तक जो भी है ना पहले वो कर लो, उसमें से जो भी डाउट है मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है सर, है ना? तो मैकेनिक्स पार्ट तो आप एडोव से कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो करते जाओ, मैं डिस्कस कर लूंगा, मुझे बता देना। सब लोग करो, और जिस भाई जिसके पास टाइम है जो कर सकता है उसको तो करना है चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं डिस्कशन हो रहा है तो ग्रुप पे डाल दो, मैं डिस्कस कर लूंगा इसे। एक एक दो दो क्वेश्चन में ज्यादा, अगर आप 25 क्वेश्चन करोगे तो दो डाउट आएंगे, तो ऐसे डिस्कस कर लूंगा। तो जिसको करना है उसको करना है, क्योंकि मैं जानता हूँ ना हर एक बंदे को बोलूंगा फिर वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए तो फिर वो लगेगा ये भी करना है क्या, वो नहीं। अगर जिसका मन है, जिसको करना ही मतलब उसको जाना ही रैंक लाना ही है तो उसको तो करना ही चाहिए, और उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। चलिए फिर, ओके ओके, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सर। ओके बाय बाय।